देखिए, हरा भरा कबाब बिल्कुल ग्रीन, नेचुरल ग्रीन लग रहा है इसका कलर, और ये बहुत ही खाने में हेल्दी और टेस्टी होते हैं। यहाँ पर मैंने हेल्थ पर्पस के लिए ही बनाया है, बिकॉज इसमें सारी ग्रीन वेजिटेबल्स है और ऑयल का भी हमने मिनिमम उपयोग किया है, और उसके अलावा ब्रेड क्रम्स मैंने ब्राउन ब्रेड यूज़ करी है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनाते हैं, और इसके लिए आपको मेरा वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्ते फ्रेंड्स, टेकडॉट शेफ में आपका स्वागत है। सर्दियाँ आ चुकी है, और सर्दियों में हरी पत्तेदार सब्जियाँ सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद रहती है। तो आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है हरा भरा कबाब, जो कि इंडियन वेज स्टार्टर होती है। इसे हम इवनिंग स्नैक के रूप में भी खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट के रूप में भी ले सकते हैं, और आपको लगभग हर रेस्टोरेंट में आपको ये मिल जाएगा, और ये बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हरा भरा कबाब बनाना। एक नॉन स्टिक पैन में मैंने 1 टेबल स्पून तेल डाला है और उसे गरम करने रखा है। जब तेल गरम हो जाए तो इसमें मैंने ये इतना जीरा डाला है, लगभग 1 छोटा चम्मच। और उसके बाद 1 इंच अदरक का टुकड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाल दिया। अब हम इसमें मटर ऐड करेंगे। मटर 200 ग्राम है, जिन्हें हल्का सा बॉईल किया हुआ है। इसका हमें मॉइस्चर निकालना है। मटर के बाद शिमला मिर्च, 2 मीडियम साइज की शिमला मिर्च है, जिसे भी मैंने थोड़ा सा बॉईल कर दिया है, और ये भी हम इस पैन में डाल देंगे। ये 1 बड़ी हरी मिर्च है, इसे भी मैंने मोटा मोटा काट लिया है, क्योंकि हम इसे ग्राइंड करेंगे। शिमला मिर्च डालने के बाद और हरी मिर्च डालने के बाद मैं इसमें पालक मिलाने जा रही हूँ। ये लगभग आधा किलो पालक है, जिन्हें मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया है। सारा पानी निकाल के इसको पूरा स्क्वीज कर लिया है, पानी हमें कम रखना है। तो ये पालक मैं इसमें डाल दूंगी। जब आप इसमें पालक डालोगे तो आपको इस तरह से पूरा मिक्सर फैला देना है, ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो अच्छे से निकल जाए। पूरी वॉक में, पूरी कढ़ाई में फैला देना है इसको। और लास्ट में इसमें हम ये हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। हरे धनिए को भी मैंने उबाल के इसका सारा पानी निकाल लिया है, और हरा धनिया मैंने 150 ग्राम लिया है। अब हम इस पूरे में नमक मिलाएंगे स्वाद के अनुसार। तो मैंने लगभग दोनों मिला करके 1 चम्मच नमक मिलाया है। अगर आपको नमक ज़्यादा लेना है तो आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ये पूरी टेस्ट पर डिपेंड करता है। नमक के बाद मैं इसमें लगभग आधा छोटा चम्मच हल्दी मिला रही हूँ। हल्दी से इसमें बहुत ही अच्छा कलर आता है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन मैं कहती हूँ कि डालना चाहिए, बिकॉज इसमें अच्छा कलर आता है। ये सब मिलाने के बाद में हम इसे पकाएंगे। सारी सब्जियों को अच्छे तरह से पकाने के बाद हम इसे ठंडा होने देंगे, और फिर मिक्सी में डाल के इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे, ग्राइंड करेंगे। तो हमने इसे लगभग 5 से 6 मिनट तक पकाया है। ये ऑलमोस्ट सारी पक चुकी है, और ऑलमोस्ट सारा मॉइस्चर इसमें से निकल चुका है। तो अब मैं इसे थोड़ा ठंडा होने दूंगी, और फिर इसे मिक्सी में डाल के मैं पीस लूंगी। अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है अभी तक, आपको थोड़ा गीला लगे बैटर या मिक्सचर, तो हम इसमें इसको पीसते टाइम मिक्सी में ब्रेड क्रम्स भी डाल देंगे,
ताकि ये कम मॉइस्चराइज हो। देखिए वेजिटेबल के मिक्सचर को हमने मिक्सी में पीस लिया है अच्छे से, इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है। और अब मैं इसका डो बनाऊंगी। डो बनाने के लिए मैंने इसमें 2 मीडियम साइज के आलू को उबाल के रखा है। ज़्यादा आलू हमें नहीं लेने हैं क्योंकि हमें इसका कलर ग्रीन ही रखना है। तो अब इन पीसे हुए आलू में मैं ये जो मिक्सचर है वो डालूंगी और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आलू और सब्जियों का मिक्सचर पूरा तैयार हो गया है। अब हम इनसे कबाब बनाएंगे। कबाब बनाने के लिए इस मिक्सचर में से मैं एक छोटा सा पोर्शन लूंगी, इसे गोल करके हल्का सा प्रेस करूंगी और जो भी इसको साइज देना है उसके बाद से ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। देखिए इस तरह से कबाब बना, से रख देंगे। इसी तरह से मैं बाकी के कबाब भी बना के दिखा देती हूँ। देखिए हमने ये सारे कबाब बना के तैयार कर लिए हैं और अब मैं इन्हें शैलो फ्राई करूंगी। आप इन्हें चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बट ये मैं हेल्दी पर्पस के लिए बना रही हूँ तो मैं इसमें तेल का कम ही यूज करूंगी। तो इस पैन में मैंने तेल डाल लिया है और मैं अब इसमें एक एक करके ये कबाब डालने जा रही हूँ। आप एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स को थोड़ा सा हटा सकते हैं ताकि वो जले ना। इन्हें एक साइड से हम तलने तक। देखिए फ्रेंड्स इनको मैंने टर्न भी कर लिया है, फ्लिप कर लिया है और ये इस तरह से बन रहे हैं। देखिए इसका कलर भी पूरा ग्रीन आया है अच्छा सा। तो अब मैं इसे निकाल देती हूँ और इसी तरह से बाकी के कबाब भी बना लूंगी। देखिए फ्रेंड्स हमारे हरे भरे कबाब बनके तैयार हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं। देखिए ये बिल्कुल भी ऑयल नहीं लग रहा है इनमें क्योंकि ये हमने शैलो फ्राई किए हैं। इनका कलर भी बिल्कुल नेचुरल ग्रीन है। अगर आप इसे पहली बार बना रहे हैं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ये बैटर गीला रह सकता है, तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर या कॉर्नस्टार्च का भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप इसे मुझे ज़रूर बताइए और अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।